नमस्कार प्राइम 100 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नजर डालेंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के साथ की बातचीत और कहा कोरोना काल में दुनिया भर ने देखी डिजिटल इंडिया की ताकत। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में एनआईए का खुलासा, ब्लास्ट में था लश्कर का हाथ, पाकिस्तान से आतंकियों को मिल रहे थे निर्देश। फॉर टैक्सी को मिली हरी झंडी, जेवर एयरपोर्ट से ग्रेटर नोएडा किया जाएगा इसका संचालन। रविशंकर प्रसाद का ट्विटर पर निशाना, का अमेरिकी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों को मानने होंगे भारतीय कानून। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शरद त्रिपाठी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। जल्द शुरू हो सकता है बच्चों का टीकाकरण, जायडस कैडिला ने टीके के आपात इस्तेमाल के लिए डीसीजीआई से मांगी अनुमति। गाजीपुर बॉर्डर पर हुई हिंसा को लेकर भारतीय किसान यूनियन के अज्ञात कार्यकर्ताओं पर हुई एफआईआर। साइबर हैकर्स की मदद से खतरनाक प्लानिंग कर रहा है चाइना, निशाने पर है देश के टेलीकॉम और डिफेंस सेक्टर। बोरीवली स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरते समय गिरा यात्री, आरपीएफ कांस्टेबल की मुस्तैदी से बची जान। यूके के सदस्य देशों से भारत ने कहा कोविशील्ड को वैक्सीन को ग्रीन पास योजना में करें शामिल। सीएम गहलोत की बड़ी मुश्किलें, निर्दलीय एमएलए से नाराज कांग्रेस नेताओं का दिल्ली में डेरा। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों पर होगी एफआईआर। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के तीसरे चरण के ट्रायल को भारत में नहीं मिली इजाजत, स्पुतनिक वी को पहले ही मिल चुकी है मंजूरी। कृष्णा नदी परियोजना में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मांगी प्रधानमंत्री मोदी से मदद, तेलंगाना की गतिविधियों पर जताया ऐतराज। छत्तीसगढ़ में एसीबी ने अपने पूर्व मुखिया सीनियर आईपीएस जीपी सिंह के ठिकानों पर मारा छापा। आगरा में बदमाश तमंचा दिखाकर करना चाहते थे दुकान में लूट, मौके पर मौजूद दुकानदार ने बदमाश को झाड़ू से खदेड़ा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आगरा में सर्जिकल सामान की फैक्ट्री पर ड्रग विभाग का छापा, बिना लाइसेंस के चलाई जा रही थी दुकान, फैक्ट्री में सीरिंज और कुछ डिवाइस किए जा रहे थे तैयार। आगरा में महिला ने लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, महिला ने खुद को घर में किया बंद, पुलिस कर रही है मामले की जांच। औरैया में झोपड़ी में लगी आग, आग की चपेट में आए दो बच्चे, आग की चपेट में आने से कई जानवरों की भी हुई मौत। औरैया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने चोरी किए गए मोबाइल किए बरामद।
औरैया में दहेज का सामने आया मामला, महिला को ससुराल वालों के द्वारा जिंदा जलाया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में सपा समर्थक एमएलसी ने बीडीसी को धमकाया, एमएलसी को धमकाने का ऑडियो हुआ वायरल। मामले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने जताया कड़ा विरोध। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प, दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लात घूंसे। बुलंदशहर में सपा एमएलसी पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा हुआ दर्ज, मजदूर की मौत मामले में मृतक मजदूर के भाई की तहरीर पर मामला हुआ दर्ज। बुलंदशहर में कुछ शरारती तत्वों द्वारा मंदिर को तोड़ने की दी गई धमकी, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। गोरखपुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ स्वागत, कार्यक्रम के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ाई गई धज्जियां। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का मिला शव, पुरानी रंजिश के चलते युवक की हुई हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दो अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बदमाशों के पास से अवैध असलाह और एक मोटरसाइकिल हुई बरामद। प्रतापगढ़ में दिनदहाड़े हुई लूट, लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से हुए फरार, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में मुखबिर की सूचना पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, असलहों के साथ भारी मात्रा में अवैध हथियार भी हुए बरामद। संभल में दुकानदारों ने जर्जर विद्युत तारों को लेकर किया प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा पत्र। संभल की असमोली पुलिस पर कार में सवार लोगों ने की फायरिंग, पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। सोनभद्र में बढ़ती महंगाई को लेकर भागपत प्रदर्शन, डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। समाजवादी पार्टी द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सपा समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी ने प्रशासन और माफियाओं पर लगाया गंभीर आरोप। सुल्तानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शातिर मोटरसाइकिल चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी की 5 मोटरसाइकिलें भी की बरामद। सुल्तानपुर में नाबालिग बालिका के साथ हुआ गैंगरेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, घटना में शामिल एक अन्य युवक की पुलिस कर रही है तलाश। अलीगढ़ में दो समुदाय के युवकों में हुई मारपीट, मारपीट में कई लोग हुए घायल, हिंदूवादियों ने किया थाने का घेराव। अलीगढ़ में पुलिस ने किया लूट का खुलासा, 3 शातिर चढ़े पुलिस के हत्थे, लुटेरों के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस भी हुआ बरामद। औरैया में राशन डीलर की मनमानी से लोग हुए परेशान, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हंगामा। कानपुर में शादी का झांसा देकर महिला से शारीरिक शोषण, लाखों रुपए भी हड़पे, पुलिस ने पीड़िता की दर्ज की शिकायत। लखनऊ में डीएम ने जिला जेल का किया औचक निरीक्षण, जेल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, पुलिस कमिश्नर भी मौके पर रहे मौजूद।
लखनऊ में सख्त हुए ट्रैफिक नियम, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होगा ऑटोमेटिक चालान, ITMS तकनीक के जरिए कैमरे से होगा चालान। मैनपुरी में पशु तस्करों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, मुख्य तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। केंद्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के यूपी प्रभारी प्रमोद तिवारी ने प्रतापगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर दिया बयान, का उम्मीदवार माधुरी पटेल का करेंगे समर्थन। बदायूं में पंचायत सदस्य के समर्थन में आए सपा कार्यकर्ता, सपाइयों ने प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। रामपुर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में फायरिंग, एक की हुई मौत, तीन लोग गंभीर रूप से हुए घायल। आजमगढ़ में शातिर अपराधी से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस टीम की जवाबी कार्रवाई में अपराधी हुआ घायल, घायल अपराधी को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। आगरा में शादी समारोह में चली गोली, गोली लगने से युवक की हुई मौत, फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। एक जुलाई से खुलेगी फूलों की घाटी, विश्वविख्यात है फूलों की घाटी, पर्यटकों के आने से पहले तैयारियां पूरी। धनौरी में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने की बैठक, पंचायत चुनाव को लेकर की गई चर्चा, कार्यकर्ताओं को दिए गए सख्त निर्देश। हैदराबाद में फिर गूंजा लव जिहाद का मुद्दा, हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस चौकी का किया घेराव, होटल मालिकों पर लगाए गंभीर आरोप। कलियर में बिजली कटौती से परेशान हुए ग्रामीण, ग्रामीणों ने बिजली विभाग से लगाई गुहार, 5 से 6 घंटे की हो रही है बिजली कटौती। लालकुआ में शिष्टमंडल ने रेलवे प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के बाद एसडीएम से की मुलाकात, एसडीएम ने उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। लालकुआ में दो मंजिला भवन का निर्माण कार्य शुरू, राजकीय इंटर कॉलेज में कराया जा रहा है निर्माण, बीजेपी विधायक ने सीएम को दिया धन्यवाद। नरेंद्रनगर में बिजली पानी की समस्याओं से परेशान लोग, मोबाइल में नेटवर्क न आने से बड़ी मुश्किलें, प्रशासन समस्याओं पर नहीं दे रहा है ध्यान। ऋषिकेश में शराब तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस ने 16 पेटी अवैध शराब की बरामद, चेकिंग अभियान के दौरान पकड़ी गई शराब। ऋषिकेश में धौली गंगा घाटी को विकसित करने की तैयारी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्माण का खाका तैयार, 330 मेगावाट बिजली का किया जाएगा उत्पादन। ऋषिकेश में पुलिस ने चोरी की घटनाओं का किया खुलासा, चोरी में शामिल 2 आरोपी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस टीम को एसएसपी ने दी बधाई। रुड़की में नवनिर्मित विकास खंड कार्यालय का बीजेपी विधायक ने किया उद्घाटन, इस दौरान उन्होंने कहा जिले में लगातार हो रहे हैं विकास के कार्य। विकासनगर में ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, जल विद्युत निगम पर लगाया ताला, सरकार ने अब तक नहीं दी कोई सुविधा। उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। उत्तराखंड में टीके का खड़ा हुआ संकट, देहरादून में कई केंद्रों पर खत्म हुए कोविशील्ड के टीके, सेंटर से बेरंग लौट रहे हैं लोग।
ऋषिकेश में आबादी क्षेत्र में घुसा विशाल का अजगर, वन विभाग ने रेस्क्यू कर अजगर को जंगल में छोड़ा। चारधाम यात्रा को लेकर जल्द सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी उत्तराखंड सरकार। हवाली के कारण बने यंगेस्ट टैटू आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने लखनऊ में दिया खिताब। अमेरिका के शीर्ष कमांडर की धमकी, तालिबान ने हिंसा बंद नहीं किया तो कर देंगे एयर स्ट्राइक। यूएस के शीर्ष संस्था ने किया दावा, अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट्स पर असरदार है कोवैक्सीन। इजरायली रक्षा मंत्रालय की बनाई किट 300 जिसे लपेटते ही चट्टान की तरह नजर आएंगे सैनिक। चीन ने बनाई हवा में चलने वाली दुनिया की इकलौती ट्रेन, जमीन पर नहीं बल्कि हवा में बिछाई गई रेल लाइन से लटकती हुई आगे बढ़ेगी ये ट्रेन। इमरान खान का आरोप, पाकिस्तान पर चीन से दोस्ती तोड़ने का दबाव बना रहा है अमेरिका। चीन की कोरोना वैक्सीन 3 से 17 उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षित, लेसेंट की रिपोर्ट ने किया ये दावा। फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस से भेजी अर्थ की तस्वीर जो दिखाएगा मदर नेचर की शक्ति का एहसास। ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय में लोकतंत्र समर्थक चीनी छात्रों पर चीन का उत्पीड़न, हांगकांग प्रशासन ने नए कानून का लिया सहारा। पेशावर विश्वविद्यालय के कर्मचारी छात्रों से डिग्री और ट्रांसफर जारी करने के लिए वसूलते हैं कमीशन, जांच में हुआ ये बड़ा खुलासा। क्लेन विजन की फ्लाइंग कार ने स्लोवेनिया में पूरी की टेस्ट फ्लाइट, 2 मिनट में कार से बन जाती है हवाई जहाज। उत्तर कोरिया पर छाया संकट से भड़का किम जोंग उन का गुस्सा, कई अधिकारियों को किया बर्खास्त। कश्मीर पर फिर बौखलाहट में पाकिस्तान, इमरान ने कहा अनुच्छेद 370 पर फैसला पलटने तक भारत से संबंध नहीं। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स बोले सौर ऊर्जा की दिशा में भारत की कोशिशें दुनिया के लिए हैं उदाहरण। मलेशिया में सख्त लॉकडाउन के बीच महामहिम ने दिए संसद बुलाने के निर्देश, अगस्त से पहले होंगी विशेष संसदीय बैठक। अमेरिका में भीषण गर्मी का कहर, 12 की मौत, रेड अलर्ट हुआ जारी, कनाडा में भी बिगड़े हालात। ताइवान में जूडो ट्रेनर ने शागिर्दों से 7 साल के नए स्टूडेंट को 27 बार जमीन पर पटकवाया, 2 महीने कोमा में रहने के बाद हुई मौत। मुश्किल में आए डोनाल्ड ट्रंप, कंपनी और सीएफओ के खिलाफ टैक्स क्राइम का हुआ केस। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे से परेशान हुआ अमेरिका, आतंकी संगठनों से की खास अपील।
ट्रंप के जाने से मुश्किल में अमेरिकी मीडिया इंडस्ट्री, रीडरशिप में आई भारी गिरावट। पाकिस्तान ने फिर विश्व बैंक से लिया लोन, 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद से बिजली व्यवस्था सुधारने की कवायद। बेटी वामिका के साथ लंदन की सड़कों पर घूमने निकली अनुष्का शर्मा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। फिलहाल 2 के दूसरे सॉन्ग का टीजर हुआ रिलीज, अक्षय कुमार और नुपुर ने दिखाई मोहब्बत की एक झलक। फरहान अख्तर, मृणाल ठाकुर और परेश रावल स्टार तूफान का ट्रेलर आउट, 16 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म। नसीरुद्दीन शाह 2 दिन से अस्पताल में है भर्ती, निमोनिया के बाद उनके फेफड़ों में मिला पैच। अक्षय कुमार की रक्षाबंधन में एक और एक्ट्रेस की एंट्री, धमाल मचाने के लिए तैयार है सादिया खतीब। पीपीएफ, एनएससी, एसएसवाई सहित अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दर पर सरकार की नई घोषणा, जुलाई सितंबर तिमाही के लिए ब्याज दरों में नहीं होगा कोई बदलाव। बढ़ती कीमतों को लेकर स्टील कंपनियों ने 10 से 16 प्रतिशत बढ़ाने का किया समझौता, एक कार बिक्री में 9% तक स्टील की होगी हिस्सेदारी। आईटीयू ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप 10 में शामिल हुआ है भारत। फ्लिपकार्ट ने क्वांटिबर में लॉन्च की ग्रोसरी सर्विस, शुरू किया फुलफिल सेंटर। विश्व बैंक ने भारत के मजदूर वर्ग की मदद के लिए 3,717 करोड़ रुपए की ऋण कार्यक्रम को दी मंजूरी। तमिलनाडु की रहने वाली वेलिकल ने पहली बार ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई, वर्ल्ड कप में जीत चुकी हैं गोल्ड। इंग्लैंड सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, ओपनर शुभमन गिल चोटिल हुए, सीरीज से हो सकते हैं बाहर, अभिमन्यु ईश्वरन को मिल सकता है मौका। डिफेंडिंग चैंपियन जोकोविच तीसरे राउंड में पहुंचे, उलटफेर का शिकार हुई वर्ल्ड नंबर 7 बियांका को 58वें नंबर पर किया गया कॉर्नर ने हराया। दुती चंद ने ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई, महिलाओं की 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगी भारतीय स्टार, हिमा दास को नहीं मिली जगह। अवार्ड के लिए अश्विन और मिताली का नाम भेजेगी बीसीसीआई, लियोनस मेसी को पीछे छोड़ने वाले फुटबॉलर सुनील छेत्री भी अवार्ड की रेस में हुए शामिल। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।